उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। 36 में से 33 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीती, निर्विरोध मतलब जहां पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़ में 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं एमएलसी का चुनाव। और आप ये देखिए कि बीजेपी को बड़ी जीत ये इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और जिनमें से 9 सीटें निर्विरोध बीजेपी ने जीती है, जहां पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया और नाम को सहमति मिल गई बीजेपी के प्रत्याशियों को। 9 सीटें ऐसी रहीं, 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 3 सीटों पर निर्दलीय। कहां कहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीते वो भी आपको बता दें, आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़, ये 3 जगह से निर्दलीयों की जीत हुई और बाकी सभी सीटें बीजेपी के पास गई, जिनमें से 9 सीट निर्विरोध थी। आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ में बस निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और बाकी हर जगह बीजेपी ने अपना झंडा फहरा दिया। एमएलसी चुनावों में विपक्ष चारों खाने चित है, पूरी तरह से साफ। 36 सीटों में 3 निर्दलीय और बाकी सब बीजेपी के पास। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्लीन स्वीप से कहा जा सकता है अगर 3 निर्दलीय छोड़ दे तो विपक्ष तो कहीं बचा ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ऐसा अंदाजा था, जिसमें आजमगढ़ प्रमुख है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत प्रत्याशी थे बीजेपी की ओर से। आजमगढ़, वाराणसी में ब्रजेश सिंह की पत्नी उम्मीदवार थी, निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी। और इसके अलावा प्रतापगढ़, जहां पर राजा भैया के भाई चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। तो 3 सीटों को छोड़कर बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। समाजवादी पार्टी कहीं किसी सीट पर नजर नहीं आई। जो समाजवादी पार्टी 36 में से बीते जो एमएलसी चुनाव हुए थे उसमें से 5 सीटें केवल हारी थी, वो समाजवादी पार्टी इस बार के बहराइच से बीजेपी की प्रज्ञा त्रिपाठी, रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप, जौनपुर से ब्रजेश सिंह, देवरिया से रतनपाल सिंह सहित बीजेपी के जितने उम्मीदवार थे, निर्दलीय जो 3 सीटें हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते उनको छोड़कर सारी। बिल्कुल, ये बीजेपी की बड़ी जीत कही जा सकती है और विपक्ष को भी एक करारा झटका कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।